डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर स्मृति निशा किश्वर, जूनियर लेक्चरर इन उर्दू, गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स हुसैनी आलम हैदराबाद, आप सबके लिए तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन की निसाबी किताब मियारे अदब उर्दू बराए जबान उर्दू इंटरमीडिएट साल अव्वल के हिस्से अव्वल के चैप्टर खवायद में से यूनिट टू जमीर और सिफत की तफहीम वो तदरीस करूंगी। सबसे पहले मैं समझा दूं कि कवायद किसे कहते हैं। हर जबान के लिए कुछ उसूल और खवानीन होते हैं जिनसे इस जबान को सही तौर से सीखा और इस्तेमाल किया जा सकता है। जबान की दुरुस्ती और इसकी खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए इन खवानीन पर अमल दरामद करना जरूरी होता है। उर्दू जबान के भी कुछ उसूल हैं जिन्हें कवायद कहा जाता है। इनके जानने से उर्दू जबान को ठीक तरीके से बोला और समझा जा सकता है। अंग्रेजी में कवायद को ग्रामर कहते हैं। कवायद या ग्रामर लिसानियत की एक अहम शाख है और इसका मुताला जबान पे दस्तरस हासिल करने के लिए निहायत जरूरी है। दूसरे अल्फाज में कवायद दरअसल जबान की साइंस को कहते हैं। हर जबान की अदायगी में इसके तलफ़ुज, इसके हिज्जे, इसकी तस्कीर व तानीस में एक जाब्ता या तरीक़ा पाया जाता है और यही तरीक़े इस जबान को बेजाब्तगी और बेकायदगी से बचाते हैं। इसी जाब्ते या तरीके को कवायद या ग्रामर कहते हैं। कवायद का असल नजरिया और मकसद जबान का सही इस्तेमाल है। हम जब किसी जबान में गुफ्तगू करते हैं तो उस जबान के दुरुस्त इस्तेमाल का हमें इल्म होना चाहिए, क्योंकि गुफ्तगू इंसान की शख्सियत का आईना होती है जिससे इंसान या तो दिल में उतर जाता है या दिल से उतर जाता है। कवायद जबान का सही इस्तेमाल करके इसमें खूबसूरती पैदा करना सिखाती है। किसी भी जबान में गुफ्तगू के लिए हुरूफ का सहारा लिया जाता है। हुरफों को मिलाकर अल्फाज बनाए जाते हैं। अल्फाज दो या दो से ज्यादा हुरूफ का मजमुआ होते हैं। ये अल्फाज बामाना भी होते हैं और बेमाना भी। इस तरह अल्फाज को दो जिम्रों में तकसीम किया जाता है, एक बामाने अल्फाज, दूसरे बेमाने अल्फाज। बामाना लफ्ज को कलमा भी कहते हैं और बेमाना लफ्ज को महमल। कलमा यानी ऐसा लफ्ज जिससे कुछ माने जाहिर हों, मसलन सियाह, सफेद, पानी, बर्फ, सच, झूठ, सूरज, चांद, सितारे, जमीन, आसमान वगैरह। कलमे की दो किस्में हैं, एक मुस्तकिल कलमा और दूसरा है गैर मुस्तकिल कलमा। मुस्तकिल कलमे ऐसे अल्फाज जो अपनी जात से मुस्तकिल माने देते हैं मुस्तकिल कलमा कहलाते हैं, जैसे अहमद, घोड़ा, किताब, दरख्त, पहाड़, पानी वगैरह। मुस्तकिल कलमे की पांच किस्में हैं: इस्म, जमीर, सिफत, फेल और मुतालिक फेल। गैर मुस्तकिल कलमा ऐसे अल्फाज जो अपने आप से कोई माने ना दे
लेकिन जब दूसरे बामाने अल्फाज के साथ आए तो माने दें, ऐसे हरूफ भी कहा जाता है, जैसे का, की, को, के, ने, से, पर, मैं, तक वगैरह। गैर मुस्तकिल कलमे की चार किस्में हैं। नंबर एक हरूफ अत्फ, नंबर दो हरूफ रब्त, नंबर तीन हरूफ तख़सीस, नंबर चार हरूफ फिजाइया। मुस्तकिल कलमे की अकसाम की दर्जा बंदी उनकी खास खसूसियात की बिना पर की गई है। इन्हें कलमे के अज्जा या अज्जाए कलाम भी कहते हैं, जो मुंदजा ज़ैल हैं। नंबर वन इस्म, नंबर दो ज़मीर, नंबर तीन सिफत, नंबर चार फ़ेल और नंबर पांच मुतालिक फ़ेल। डियर स्टूडेंट, इस्म, उसकी तारीफ और अकसाम के मुतालिक आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में ज़मीर और सिफत की तफहीम मुतदरीस की जाएगी। तो आइए सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि ज़मीर किसे कहते हैं। ज़मीर वो कलमा जो इस्म की जगह बोला जाता है। ज़मीर यानी ज़मीर वो कलमा है जो इस्म की तकरार से बचने और तहरीर, गुफ्तगू या बातचीत में खूबसूरती पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरे अल्फाज में इस्म की जगह इस्म के बजाय जो लफ्ज इस्तेमाल होता है उसे ज़मीर कहते हैं, जैसे मैं, हम, तू, तुम, आप, वो, उस वगैरह। मसलन ये इबारत देखिए, अहमद अच्छा लड़का है, अहमद हर रोज सुबह सवेरे उठता है, अहमद मुंह हाथ धोकर पढ़ने बैठ जाता है, 8 बजते ही अहमद नाश्ता करके स्कूल चला जाता है, स्कूल में सब अहमद को पसंद करते हैं, घर में भी अहमद सबका लाडला है। आपने देखा इस तहरीर में बार बार अहमद के नाम की तकरार हुई है, जो बुरी मालूम हो रही है। तो बच्चों, तहरीर में एक ही नाम बार बार आए तो तहरीर या गुफ्तगू बेलुत्फ हो जाती है, इसलिए हम नाम के बदले दूसरा लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो तहरीर बदमजा नहीं होती। जैसे अहमद अच्छा लड़का है, वो हर रोज सुबह सवेरे उठता है, मुंह हाथ धोकर पढ़ने बैठ जाता है, 8 बजते ही नाश्ता करके स्कूल चला जाता है, स्कूल में सब उसको पसंद करते हैं, घर में भी वो सबका लाडला है। आपने देखा इस इबारत में वो बदमजगी नहीं मालूम हुई जो पहली तहरीर में थी, क्योंकि इसमें हमने अहमद का नाम सिर्फ एक बार लिया और बाद में वो और उससे काम चलाया। किसी और के बारे में लिखेंगे तो भी हम इसका नाम एक ही बार लेंगे और बाद में वो उस इस्तेमाल करेंगे। जब अपने बारे में कहेंगे या लिखेंगे तो मैं, मेरे, मुझको वगैरह अल्फाज इस्तेमाल करेंगे। इन्हीं अल्फाज को ज़मीर कहा जाता है, यानी वो कलमा जो इस्म की बजाय इस्तेमाल किया जाता है ज़मीर कहलाता है। ज़मीर की 5 किस्में हैं। नंबर एक ज़मीर शख्सी, ज़मीर इशारा, ज़मीर मौसूला, ज़मीर इस्तेफ़हामिया, ज़मीर तनकीर।
نمبر ون، ضمیر شخصی، وہ ضمیر جو کسی شخص کے نام کی جگہ پر استعمال ہو. نمبر دو، وہ ضمیر، ضمیر اشارہ، وہ ضمیر جو کسی اشارہ قریب یا دور کے لیے استعمال ہو. نمبر تین، ضمیر موصولہ، وہ ضمیر جو کسی لفظ کی وضاحت یا جملوں کو جوڑنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. نمبر چار، ضمیر استفہامیہ، وہ ضمیر جو کسی سوال کے پوچھنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. نمبر پانچ، ضمیر تنکیر، وہ ضمیر جو غیر معین شخص یا شے کے لیے استعمال ہوتی ہے. اب آئیے ہم تفصیل سے ضمیر کی اقسام پر نظر ڈالتے ہیں. نمبر ون، ضمیر شخصی. ضمیر شخصی وہ ضمیر جو کسی شخص کے نام کی جگہ پر استعمال ہو ضمیر شخصی کہلاتی ہے. جیسے میں، تم، ہم وغیرہ. ضمیر شخصی کی تین صورتیں ہیں: الف، ضمیر متکلم، ب، ضمیر مخاطب، اور جیم، ضمیر غائب. الف، ضمیر متکلم. متکلم بات کرنے والے کو کہتے ہیں. بات کرنے والا یا بات کرنے والے اپنے نام کے بدلے جو کلمہ استعمال کرتے ہیں انہیں ضمیر متکلم کہا جاتا ہے. واحد کے لیے میں اور جمع کے لیے ہم ضمیر متکلم ہیں. مثلا میں لکھ رہی ہوں، ہم کالج جا رہے ہیں وغیرہ. کبھی کبھی ہم واحد کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، جیسے نواب صاحب نے کہا ہم وہاں گئے تھے. ضمیر شخصی کی دوسری صورت ہے ضمیر مخاطب. بات کرنے والا متکلم جس سے بات کرتا ہے اسے مخاطب کہتے ہیں، اور مخاطب کے نام کے عوض جو کلمہ یا کلمے استعمال ہوتے ہیں انہیں ضمیر مخاطب کہتے ہیں. ضمیر مخاطب کو ضمیر حاضر بھی کہا جاتا ہے. واحد کے لیے تو اور جمع کے لیے تم اور آپ ضمیر مخاطب ہیں. ضمیر شخصی کی تیسری صورت ہے ضمیر غائب. ہم جب ایسے شخص کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں جو حاضر نہیں ہے تو اس کے لیے ضمیر وہ استعمال کرتے ہیں، اسی کو ضمیر غائب کہا جاتا ہے. ضمیر غائب صرف ایک ہی ہے، وہ. واحد جمع دونوں کے لیے لفظ وہ استعمال کیا جاتا ہے. مستقل کلمہ ضمیر کی دوسری قسم ہے ضمیر اشارہ. ضمیر اشارہ یعنی وہ ضمیر جو کسی اشارہ قریب یا دور کے لیے استعمال ہو. یعنی ضمیر اشارہ وہ ضمیر ہے جس سے کسی شخص یا چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے. جیسے یہ شخص ابھی آیا، وہ لوگ ابھی گئے، اس لڑکے کو مت ستاؤ، ان لوگوں کو بلاؤ. ان جملوں میں یہ، وہ، اس، ان ضمیر اشارہ ہیں. مستقل کلمہ ضمیر کی تیسری قسم ہے ضمیر موصولہ. ضمیر موصولہ وہ ضمیر جو کسی لفظ کی وضاحت یا جملوں کو جوڑنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. یعنی ضمیر موصولہ وہ ضمیر ہے جو کسی اسم کا پتہ یا حالت بیان کرتی ہے، اور ساتھ ہی دو جملوں کو ملانے کا کام بھی کرتی ہیں. مثلا جو، جن، جس وغیرہ.
ये मिसालें देखिए, जो लड़के पढ़ते हैं वो कामयाब होते हैं, या जिन लोगों ने मेहनत की शोहरत हासिल की, जिस आदमी को मैंने नादान समझा वही अकलमंद निकला। इन जुमलों में जो, जिन और जिस ज़मीरे मौसूला हैं। मुस्तकिल कलमा ज़मीर की चौथी किस्म है ज़मीरे इस्तफ़हामिया। ज़मीरे इस्तफ़हामिया वो ज़मीर जो किसी सवाल के पूछने के लिए इस्तेमाल होती है, वो ज़मीर जो सवाल पूछने के लिए इस्म के बजाय इस्तेमाल होती है इसे ज़मीरे इस्तफ़हामिया कहते हैं। जैसे कौन आया था, किसको बुलाना है, तुम्हारे हाथ में क्या है, इनमें कौन, किस, क्या ज़मीर इस्तफ़हामिया है। मुस्तकिल कलमा ज़मीर की पांचवी किस्म है ज़मीर तनकीर। ज़मीर तनकीर से मुराद वो ज़मीर जो गैर मुइन शख्स या शय के लिए इस्तेमाल होती है, यानी ज़मीर तनकीर वो ज़मीर है जो गैर मुइन शख्स या अशख़ास या गैर मुइन चीज़ या चीज़ों के लिए इस्तेमाल होती है। जैसे किसी को बुरा मत कहो, हर कोई यही कहता है, जो कुछ है गनीमत है। इन जुमलों में अल्फाज किसी, कोई और कुछ ज़मीर तनकीर हैं। आपने देखा ज़मीर की पांच किस्में हैं और इसकी तारीफ भी पढ़ी। अब आइए मुस्तकिल कलमे की तीसरी किस्म सिफत पर नजर डालते हैं। मुस्तकिल कलमे का तीसरा जुज़्वे कलाम है सिफत। सिफत यानी वो कलमा जो इस्म की खुसूसियत को जाहिर करता है, यानी सिफत से मुराद सिफत वो कलमा है जिससे इस्म की हालत, कैफियत, खुसूसियत या कमियत मालूम होती है। जैसे समीना अच्छी लड़की है, रशीद मेहनती लड़का है, नदीम बहुत शरीर है, ठंडी हवा चल रही है, मारिया को मीठा बहुत पसंद है, बहुत ही खूबसूरत मकान है। हमें मुतवाज़न ग़िज़ा इस्तेमाल करनी चाहिए। इन मिसालों में अच्छी, मेहनती, शरीर, ठंडी, मीठा, खूबसूरत और मुतवाज़न सिफत हैं। सिफत की भी पांच किस्में हैं। सिफत ज़ाती, सिफत निस्बती, सिफत अददी, सिफत मकदारी और सिफत ज़मीरी। सिफत ज़ाती मुस्तकिल कलमे की तीसरी किस्म। सिफत की पहला जुज है सिफत ज़ाती। सिफत ज़ाती वो सिफत जो किसी इस्म की अंदरूनी या बैरूनी हालत को जाहिर करती है, यानी किसी इस्म की ज़ाती खुसूसियत यानी दाखिली या खारिजी हालत व कैफियत को बयान करने वाली सिफत को सिफत ज़ाती कहते हैं। जैसे आम लजीज फल है, सखी इंसान जन्नत से करीब है, चुगलखोर आदमी जन्नत में नहीं जाएगा, ताज़ा खाना सेहत के लिए मुफीद है, बुरा आदमी कोई नहीं है, ये गहरा तालाब है, खुश्क पत्ते झड़ते हैं। इन जुमलों में आम, इंसान, आदमी, खाना, ताला और पत्तों की खुसूसियात बताई गई है।
इन मिसालों में लजीज, सखी, जगली, ताज़ा, बुरा, गहरा, खुश्क सिफाते जाती है। सिफत की दूसरी किस्म है सिफते निस्बती। सिफत निस्बती से मुराद वो सिफत जो किसी इस्म की निस्बत जाहिर करती है, यानी सिफत निस्बती वो सिफत है जिसमें किसी चीज से निस्बत या लगाव जाहिर होता है। उमूमन किसी इस्म के आखिर में याए मारूफ यानी छोटी या बढ़ा कर निस्बत को जाहिर किया जाता है, जैसे हैदराबादी बिरयानी, हिंदुस्तानी लोग, ईरानी चाय, पहाड़ी बकरी, जंगली जानवर, लखनवी चिकन वगैरह। हैदराबादी, हिंदुस्तानी, ईरानी, पहाड़ी, जंगली, लखनवी सिफते निस्बती है। सिफत की तीसरी किस्म है सिफते अददी। सिफते अददी से मुराद वो सिफत जो किसी इस्म की तेदाद को जाहिर करती है, यानी सिफते अददी वो सिफत जो इस्म की तेदाद को जाहिर करती है, जैसे दो दोस्त, अनार के 14 दाने, 30 रोजे, 5 वक्ता नमाज, 1 सबक, 4 किताबें, 5 आदमी, 4 लड़की, 20वां मकान, 4 गुना रफ्तार वगैरह। इन जुमलों में इस्म की तेदार मालूम हो रही है, इन्हीं को सिफत अददी कहते हैं। सिफत की चौथी किस्म है सिफत मकदारी। सिफत मकदारी से मुराद वो सिफत जो किसी इस्म की मकदार या नाप तोल को जाहिर करती है, यानी सिफत मकदारी वो सिफत है जो इस्म की मकदार यानी वजन या नाप तोल को जाहिर करती है, सिफत मकदारी कहलाती है। जैसे 1 क्विंटल चावल, 10 मीटर कपड़ा, 2 लीटर दूध, 1/2 किलो घी, 2 तोले सोना, चुल्लू भर पानी, टोकरी भर अनाज वगैरह। बाद अल्फाज से गैर मुहैन मकदार को भी जाहिर किया जाता है, जैसे थोड़ी सी शक्कर, जरा सा नमक, कुछ लोग, चंद औरतें वगैरह। सिफत की पांचवी किस्म है सिफत जमीरी, यानी वो जमीर जो सिफत का काम देती है। सिफत जमीरी से मुराद वो जमीर है जो सिफत का काम देती है, सिफत जमीरी कहलाती है। जैसे तुम सा कोई नहीं, ऐसी बात मैंने नहीं की। इन जुमलों में तुम सा और ऐसी सिफत ज़मीरी है। तो बच्चों, ये थी मुस्तकिल कलमा ज़मीर और सिफत की तारीफ, अक्साम। अब आप लोगों को कुछ वर्क दिया जाएगा असाइनमेंट के तौर पर। सबसे पहले मुख्तसर तरीन सवालात। मुख्तसर तरीन सवालात का पहला सवाल है, मुंदरजा ज़ैल में जुमलों में ज़मीर की किस्मों की निशानदही कीजिए। यानी यहाँ पर जुमले दिए गए हैं, इन जुमलों में से आपको ज़मीर पहचान कर ब्रैकेट में दर्ज करना है। अलीफ है, आपने फरमाया। बे, तुम कहाँ जा रहे हो। जीम, किसको बुलाओ। वाव, उसको छुट्टी ना मिली जिसे सबक याद किया। हे,
वो कुर्सी खाली है। मुख्तसर तरीन सवालात के लिए एक और तरीका है जो दूसरे सवाल में बताया गया है। इसमें आपको मुंदरजा ज़ैल मिसरों में जमीर की निशानदेही करना है। यहाँ पर मुख्तलिफ शोरा के अशार के मिसरे दिए गए हैं, इसमें से आपको जमीर की निशानदेही खासन में करना है। अलिफ है वफा कैसी कहाँ का इश्क जब सर फोड़ना ठहरा। बे है आपकी याद आती रही रात भर। जीम है कोई दीवाना गलियों में गाता रहा। वाव है कोई आवाज आती रही रात भर। हे है वो जाने जाना नहीं आता तो मौत ही आती। इसी तरीके से यहाँ तीसरा सवाल दिया गया है, मुंदरजा ज़ैल मिसालों में सिफत की किस्मों की निशानदेही कीजिए। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ये दो कॉलम है, पहले कॉलम में मिसाल है और दूसरे कॉलम में आपको सिफत की किस्म दर्ज करना है। नंबर वन सिफत की मिसाल है, नंबर वन समझदार लड़का, मक्की सूरत, दो गज जमीन, अनार के 14 दाने, तुझसा कोई नहीं जमाने में। ये पहला सवाल था, पहला बिट था जिसमें 3 सवाल दिए गए हैं जिसमें जमीर और सिफत की निशानदेही करनी है। दूसरा सवाल है एक लफ्ज या जुमले में जवाब लिखना है, यानी यहाँ पर 5 सवाल दिए गए हैं, इनके जवाब आपको एक जुमले में तहरीर करना है। नंबर वन जमीर की तारीफ कीजिए और मिसाल भी दीजिए, यानी आपको जमीर की तारीफ लिखना है, यानी जमीर किसे कहते हैं लिखना है। सवाल नंबर दो सिफत किसे कहते हैं, तारीफ और मिसाल पेश कीजिए। तीसरा सवाल है जमीर शख्सी किसे कहते हैं। चौथा सवाल है जमीर इस्तेफहामिया को मिसाल के साथ बयान कीजिए। पांचवा सवाल है सिफत जाती की तारीफ कीजिए। इसके बाद बच्चों अगला सवाल है, तीसरा सवाल सही जोड़ लगाइए। आपको यहाँ 2 हिस्से दिए गए हैं, पहले हिस्से के बाद जो खौसिन दिया गया है इसमें आपको दूसरे हिस्से का जो हुर्फ है अलिफ बे जीम वाव हे वगैरह वो हुर्फ आपको खौसिन में लिखना है। नंबर वन है ईरानी खजूर। ईरानी खजूर का आंसर आपको बाएं हाथ के कॉलम से पहचान कर लिखना है। नंबर दो है नादान दोस्त। नंबर 3 ज्यादा हंसी। नंबर 4 30 रोजे। नंबर 5 ऐसा काम। नंबर 6 कोई बोलो, किसकी किताब, आपका नाम, वो गाड़ी, जो सोया वो खोया। आपको दूसरे कॉलम में आंसर्स दिए गए हैं, अलीफ सिफत मकदारी, बे सिफत अददी, जीम सिफत निस्बती, वाव सिफत जमीरी, हे सिफत जाती। फिर दूसरे बिट के आंसर्स हैं अलीफ जमीर मौसूला, बे जमीर इशारा, जीम जमीर तनकीर, वाव जमीर शख्सी और हे है जमीर इस्तेफहामिया। तो बच्चों ये था आपकी निसाबी किताब का खवायद के चैप्टर से यूनिट 2 जमीर और सिफत की तारीफ तफहीम और तजवीज। इसी के साथ हमारा ये सबक यहीं पर इख्तिताम पज़ीर होता है। शुक्रिया।